सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट अपडेट। हम जो हैं कम्युनिटी करेक्टरिस्टिक्स जो थे वो डिस्कस कर रहे थे। कम्युनिटी करेक्टरिस्टिक्स के अंदर अगर हम स्ट्रैटिफिकेशन की बात करें, जैसे कि हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में। देखिए, कम्युनिटी करेक्टरिस्टिक में स्ट्रैटिफिकेशन को डिस्कस क्यों किया जाता है, इसकी एक वजह है। ये देखिए आप कि कम्युनिटी जो होती है, जैसे कि हम बात करें सिर्फ जैसे प्लांट कम्युनिटी की, तो उसमें डिफरेंट टाइप्स के जो प्लांट की डिफरेंट टाइप्स होते हैं उनके बीच में आपको एक जो रिलेशनशिप है वो देखने को मिलेगी। तो हम देखते हैं कि एक प्लांट कम्युनिटी के अंदर आपको जो है ट्री भी मिलता है, श्रब भी मिलते हैं, हर्ब भी मिलेंगे, एंड साथ ही साथ जैसे मॉस है, लाइकेन है, ये भी आपको जो है देखने को मिलेंगे। तो यहाँ सोचने वाली बात है कि इन सब के बीच में रिलेशनशिप होता है, साथ ही साथ जो है अगर आप इन्हें देखें, ठीक है, तो आपको एक ये डिफरेंट लेयर पे देखने को मिलेंगे। जैसे कि ट्री का अपना एक लेवल होता है, एक लेयर होती है, ठीक है, श्रब की अपनी एक लेयर होती है, हर्ब की अपनी एक लेयर होती है, एंड मॉस लाइकेन जो होंगे इनकी अपनी एक लेयर होगी। तो ये डिफरेंट लेयर पे आपको देखने को मिलते हैं प्लांट कम्युनिटी में। तो जो स्ट्रैटिफिकेशन है वो टर्म भी इसी से रिलेटेड है कि जो प्लांट कम्युनिटी जो होती है वो एक लेयर बनाती है, या जिसे हम स्टाटा कहते हैं वो बनाती है, और ये आपको डिफरेंट लेवल पर देखने को मिलेगी। ये आपको वर्टिकल भी देखने को मिलेगी, हॉरिजॉन्टल भी आपको देखने को मिलेगी। अगर वर्टिकल हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि ट्री वगैरह जो है आपको वर्टिकल देखने को मिलेगा, एंड हॉरिजॉन्टल जो है वो आपको हॉरिजॉन्टल लेवल पे भी आपको ये स्ट्रैटिफिकेशन जो है वो देखने को मिलेगा। तो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों लेवल पे आपको देखने को मिल सकता है। तो डेफिनेशन देखिए, प्लांट कम्युनिटी फॉर्म ए स्टाटा और लेयर ऑन वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है। जो प्लांट कम्युनिटी होगी वो क्या बनाएगी, लेयर बनाती है, जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन पे भी हो सकता है एंड वर्टिकल प्लेन पे भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, इसी करेक्टरिस्टिक को क्या कहा जाता है, स्ट्रैटिफिकेशन, राइट। अब देखिए, स्ट्रैटिफिकेशन जो है अलग अलग कम्युनिटी के अंदर आपको अलग अलग देखने को मिल सकता है। अगर हम ग्रासलैंड कम्युनिटी की बात करें तो ग्रासलैंड में अलग तरीके से मिलेगा, फॉरेस्ट के अंदर बात करेंगे तो फॉरेस्ट में अलग तरीके से मिलेगा, एंड पॉन्ड के अंदर आपको अलग तरीके से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब जो है देखिए, जो लेयर है, अगर आप ग्रासलैंड में लेयर देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, सबसे नीचे की तरफ सबटेरेनियन लेयर, ये जो सबटेरेनियन लेयर जो है वो जो है आपको देखने को मिलेगी। उसमें आपको क्या देखने को मिलेगी, रूट एंड राइजोम्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसमें जो है रूट एंड राइजोम जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, सबटेरेनियन में। फ्लोर पे क्या होगा, फ्लोर पे जो है अदर जो है छोटे छोटे जो है आपको देखने को मिल सकते हैं, एंड ग्रास जो है फाइनली जो ग्रास है वो आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से ग्रासलैंड में आपको तीन लेयर देखने को मिल सकती है, सबटेरेनियन लेयर, फ्लोर एंड ग्रास, ठीक है, ये लेयर आपको देखने को मिलेगी। इसी तरीके से अगर हम फॉरेस्ट की बात करें तो फॉरेस्ट के अंदर आपको जो है यहाँ पर जिस तरीके से ग्रासलैंड के अंदर थ्री लेयर ही है, यहाँ पर आपको फाइव लेयर देखने को मिलेगी, ठीक है। इसमें आप देखिए, सबसे नीचे जो है सबटेरेनियन लेयर है, उसके ऊपर फॉरेस्ट फ्लोर है, हर्बेसियस हर्ब होंगे, श्रब होंगे एंड ट्री होंगे, ठीक है। फोटो के अंदर देखिए, आप फोटो में भी देख सकते हैं, ट्री जो है आपको 30-60 मीटर तक की हाइट पे आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरीके से फॉरेस्ट के अंदर आपको ये लेयर देखने को मिलेगी। ग्रास लैंड में तो आपको श्रब एंड ट्री देखने को नहीं मिलेंगे, इसलिए जो तीन लेयर ही होती है, बट इसमें आपको ये फॉरेस्ट के अंदर टू एक्स्ट्रा जो लेयर है श्रब और ट्री की वो भी देखने को मिलेगी, ठीक है। पॉन्ड के अंदर हम बात करें स्ट्रैटिफिकेशन की, तो देखिए पॉन्ड के अंदर आपको लिटोरल, लिमनेटिक एंड प्रोफंडल फॉर्म में जो है देखने को मिलेगा। ये भी डिफरेंट हाइट के अकॉर्डिंग है, जैसे कि लिटोरल जो होगा आपको कोस्टल, जो इसका किनारा होता है, कोस्टल जो पार्ट होता है उस पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको रूटेड जो वेजिटेशन होती है वो देखने को मिलती है। लिमनेटिक में आपको फाइटोप्लैंकटन वगैरह देखने को मिलेंगे, जो कि सेंटर में होते हैं और बीच में जहाँ तक लाइट जाती है, वाटर के अंदर पेनिट्रेट करेगी, वहाँ तक आपको देखने को मिलेंगे लिमनेटिक। एंड प्रोफंडल जो है पॉन्ड का वो नीचे वाला हिस्सा होगा, जिसके अंदर नॉन जो फोटोसिंथेटिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रहते हैं, क्योंकि लाइट पहुँच नहीं पाती, तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पर नॉन फोटोसिंथेटिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वही डेवलप होते हैं। तो इस तरीके से स्ट्रैटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा इन केस ऑफ पॉन्ड। पॉन्ड में भी कौन से, जो कि ज़्यादा गहरे होते हैं, अगर पॉन्ड ज़्यादा गहरा नहीं है तो उस केस में आपको ये जो है प्रोफंडल लेयर देखने को नहीं मिलेगी, बट ज़्यादा गहरा होगा तो ये आपको तीनों जो लेयर है वो देखने को मिल जाएगी।
अब जो है आप देखें कि जो स्ट्रेटिफिकेशन है उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन जो है फिजिकल फैक्टर्स का है, जैसे कि लाइट है, टेम्परेचर होता है, वाटर होता है, तो इन्हीं की सबकी जो जो अवेबिलिटी होती है उसके बेसिस पे जो लेयर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप देखिए फैक्टर्स के अंदर कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि स्ट्रेटिफिकेशन को क्या करते हैं बनाने में रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, जैसे कि स्पेसिफिक टॉलरेंस एंड अडेप्टेशंस कि भाई जो प्लांट हैं उनका स्पेसिफिक टॉलरेंस क्या है, अडेप्टेशंस क्या है, वो उनकी लेयरिंग को डिसाइड करता है। केमिकल रिएक्शन है, केमिकल जो रिएक्शन है वो डिसाइड करती है कि स्ट्रेटिफिकेशन किस तरीके से होगा। एंड चेंज इन स्पीसीज, ठीक है, स्ट्रक्चर, स्पीसीज स्ट्रक्चर से मतलब कि सक्सेशन जो प्रोसेस होती है जिसमें हम देखते हैं कि लाइकेन होते हैं, ग्रासेज होती है, हर्ब होंगे, श्रब होंगे, ट्री होंगे, इस तरीके से सक्सेशन देखने को मिलता है। तो प्लांट कम्युनिटी में अगर सक्सेशन की प्रोसेस होती है तो स्पीसीज स्ट्रक्चर होती है वो चेंज हो जाती है। तो जैसे जैसे स्पीसीज स्ट्रक्चर चेंज होगी लेयरिंग जो है वो भी चेंज होगी, तो ओवरऑल स्ट्रेटिफिकेशन भी क्या होगा, चेंज होगा। तो इस तरीके से स्ट्रेटिफिकेशन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये था स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में। ठीक है, ओके।